नमस्कार, मी वैष्णवी. आपण पाहत इंडियन टीव्ही न्यूज. इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर नजर टाकूयाच्या काही विशेष घडामोडींवर. नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उपक्रम विकास प्रकल्पा अंतर्गत महिला आर्थिक विकास महामंडळ ठाणे मार्फत नवतेजस्विनी ठाणे ग्रामोत्सव उत्सव 3 जानेवारी ते 7 जानेवारी 2024 या 5 दिवसांसाठी नवीन वर्ष आणि जानेवारी 2024 मध्ये मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने महिलांनी बनवलेल्या उत्पादनांना शहरी बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्यातील बचत गटांचं आयोजन करण्यात आलं होतं, ज्याचं उद्घाटन महानगरपालिका आयुक्त इंदुराणी जाखड यांच्या हस्ते करण्यात आलं. या ग्रामोत्सवामध्ये 45 स्टॉल्स लावण्यात आले. यामध्ये हस्तकला, कापड, धान्य, डाळी, तांदूळ, मसाला, पापड इत्यादी खाद्यपदार्थ आणि विविध प्रकारच्या पिशव्या आणि पर्स यांच्या विक्रीसह इतर विभागांचाही समावेश होता. महिला बचत गटांच्या महिलांनी उत्पादित केलेल्या विविध उत्पादनांची विक्री करणे, महिलांची उत्पादित केलेल्या उत्पादनांची जाहिरात करणे आणि ते मोठ्या प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचवणे हा या ग्रामोत्सवाचा मुख्य उद्देश होता. या ग्रामोत्सवाच्या माध्यमातून महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना योग्य भाव मिळावा यासाठी घरोघरी महिलांची उत्पादने, इतर हस्तकलेच्या वस्तू, कृषी उत्पादने आदी वस्तू ठेवल्या जातात. त्याचप्रमाणे ग्राहक विक्रेता बैठकांचं आयोजनही करण्यात आलं होतं. महिलांनी उत्पादित केलेल्या उत्पादनाची बाजारपेठ कशी जोडता येईल यावर ग्राहकांशी चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलं होतं. ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज. मेरा नाम अस्मिता मोहिते है. मैं जिला समन्वय अधिकारी महिला आर्थिक विकास महामंडल जिला ठाणे से हूँ. क्या कहना चाहिए जो आज स्टॉल लगा है, क्या क्या स्टॉल में क्या क्या है? सबसे पहले तो ये 5 दिन का मेला है जिसको हम नवतेजस्विनी ठाणे ग्रामोत्सव कहते हैं. ये 5 दिन में आपको इधर अलग अलग की खाने की चीज़ें दिखाई देंगी. बच्चों के लिए खेल है और जो भी महिलाओं घरगुती जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसका इधर मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने इधर महिलाओं को बुलाया है. वो ये आपको सब देखने के लिए मिलेगा. एक्चुअली स्टॉल में क्या क्या है इसमें? स्टॉल में देखा जाए कि जो महिला जो भी घर के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि मसाला है, पापड़ है, या कुछ ज्वेलरी खुद महिलाएँ बनाती है, रजई बनाती है, गोदड़ी बनाती है, बैंगल्स वगैरह बनाती है, या कुछ खुद का आर्ट करती है, जैसे वार्ली आर्ट हो या अलग अलग तरीका का आर्ट है. कुछ महिला हमारी चप्पल प्रोडक्ट में वो भी लोग हैं. इस तरीके से सब लोगों का मिलाव इधर है. जैसे कितने स्टॉल यहाँ पर और कितना स्टॉल में किस तरह लोग कितने लोग यहाँ पे सहभागी होते हैं और कौन से ऐसे गेस्ट आने वाले हैं? सर यहाँ पे 45 स्टॉल है सब मिला के. सबसे और जो भी गेस्ट है तो सब गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट के भी लोग हैं. इसका जो अभी उद्घाटन है माननीय आयुक्त इंदुराणी जाखड़ मैडम, जो बापरस से है, आयुक्त कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, उनके हाथ से यहाँ का इनोग्रेशन हुआ है. महिला व बाल विकास अधिकारी श्री महेंद्र गायकवाड़ सर, कल्पना जाधव मैडम जो सहायक जिला नियोजन अधिकारी है, बैंकर्स है, पोस्ट ऑफिस के मार्केटिंग एक्सपर्ट है, हमारे मंगेश सूर्यवंशी सर है जो हमारे रीजनल हेड है माबिम की, वो सब लोग यहाँ से यहाँ पे आज मौजूद है. लेकिन अभी 5 दिन में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आने वाले है और वो भी यहाँ पे आके सदिच्छा भेंट देने वाले हैं. आपका नाम क्या है? क्या करें, किस तरह स्टॉल यहाँ पे लगाया गया और कितने सालों से स्टॉल लगाया जा रहा है? अभी दर साल ये स्टॉल लगाया जाता है. महिला आर्थिक विकास महामंडल ठाणे जिला से हम हैं और यहाँ पे जैसे कि महिला बचत गट के लिए हम काम करते हैं. तो महिलाओं के जो भी उद्योग है, जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाती है, जैसे कि फूड है, नॉन फूड आइटम्स है, तो उस प्रोडक्ट का हर साल ये एग्जीबिशन लगता है जिससे कि महिलाओं का जो प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग ज़्यादा करके हो सके और उनको अच्छा सा उनके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो, पब्लिसिटी हो, ये मतलब उद्देश्य रहता है इसका. Thank you.
तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात.